सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 196 केंद्रों पर 23,018 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,722 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 17,296 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में अब तक लगभग 33,50,000 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया है, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 23,74,000 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 9,74,000 लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 10,00,000 लोगों ने प्रथम डोज नहीं लगवाए हैं। सीएमओ ने लोगों से अपील किया है कि जो भी लोग कोविड का टीका नहीं लगवाए हैं वह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टीका अवश्य लगवा ले, जिससे अपने जनपद को कोरोना मुक्त रखा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, अरे हाथ कहाँ ले जाए, पकड़िए मुकल साथ लीजिए, इधर आज हमारे जनपद में 196 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। अभी तक हमने 33,50,000 से ज़्यादा का डोज लगा चुके हैं, उसमें से 23,74,000 फर्स्ट डोज लगा है और 9,74,000 सेकेंड डोज लगा हुआ है। अभी हमारे पास बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं, करीब 10,00,000 के आसपास फर्स्ट डोज के ही लोग छूटे हुए हैं और सेकेंड डोज 2,00,000 के आसपास सेकेंड डोज जिनका ड्यू पूरा हो गया है वो अभी सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं। तो हमें सबसे अपील है कि जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगा है और जिन्हें सेकेंड डोज ड्यू हो चुका है वो हमारे सेंटर पर आएँ। अब बहुत सहजता से बहुत आसानी से टीकाकरण हो रहा है, बहुत ही सुरक्षित टीका है जो करोना के लिए बहुत अच्छा कारगर है, करोना से बचाव 100% किया देता है। सभी लोग आएँ और करोना से टीकाकरण कराएं और जिससे कि करोना को से हम सुरक्षित हो सके और करोना को दूर भगा सकें।